सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पाठ 16 स्वास्थ्य और व्यायाम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी और अनिवार्य साधन कौन सा है? ऐसा साधन जिसके बिना हमारा किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं हो सकता। शायद तुमने अनुमान लगा लिया हो। हमारे लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन है हमारा शरीर। शेष सभी साधन हमारी तभी सहायता कर सकते हैं जबकि हमारा शरीर स्वस्थ हो। जिस आदमी का शरीर ही काम न करता हो वह कोई भी काम नहीं कर सकता। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास ने कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात संसार में कर्तव्य पालन करने के लिए पहला साधन शरीर ही है। अपने शरीर को हम एक मशीन सामान मान सकते हैं। तुम यह तो जानते हो कि केवल मशीन के होने से ही कोई काम नहीं हो जाता। यह आवश्यक है कि मशीन अच्छी हालत में हो और हमें पता हो कि उसे कैसे काम लेना है। शरीर के बारे में यह बात कही जा सकती है, शरीर रूपी मशीन से अंत तक ठीक ठाक काम लेने के लिए इसे आरंभ से ही स्वस्थ रखना आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। यदि हम किसी मशीन से बहुत समय तक काम ना लें तो उसमें जंग लग जाता है। मशीन से काम लेते रहने और उसकी देखभाल करते रहने से ही वह ठीक हालत में रहती है। यही बात शरीर के साथ भी है। हमारे शरीर की मशीन बहुत पेचीदा है। इसमें विभिन्न प्रकार के कलपुर्जे लगे हुए हैं। हमारा हृदय एक पंप है जो बिना हमारी जानकारी के हमारे रक्त को दिन रात सारे शरीर में प्रवाहित करता रहता है। हमारे फेफड़े निरंतर सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन शरीर के बहुत से अंग हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार सिकुड़ा या फैला सकते हैं। अपनी उंगलियां या बांह को मोड़कर तुम यह बात स्पष्ट देख सकते हो। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक ऐसी क्रियाएं मांसपेशियों द्वारा की जाती है जो हमारी इच्छा द्वारा नियंत्रित होती है। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आँखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियां तक सम्मिलित हैं। ये मांसपेशियां तभी सशक्त और समर्थ बनी रहती है जब तक हम इनसे काम लेते रहते हैं। दिन भर परिश्रम करने वाले मजदूरों और किसानों के अधिकतर अंगों का व्यायाम उनके काम करते समय ही हो जाता है। जो लोग बैठकर काम करते हैं या अधिकांश समय पढ़ने लिखने में बिताते हैं उनके शरीर की मांसपेशियां निष्क्रिय बनी रहती है। व्यायाम के द्वारा इन सभी मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है। यही कारण है कि प्रतिदिन नियम पूर्वक व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। व्यायाम अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे खेलकूद, दंड बैठक, कुश्ती, जिम्नास्टिक, दौड़ना, तैरना आदि। इन्हें प्रत्येक व्यक्ति अपनी अवस्था, आवश्यकता और रुचि के अनुसार कर सकता है। हालांकि विद्यालय में भी
विद्यार्थियों से व्यायाम करवाया जाता है, पर यह व्यायाम पर्याप्त नहीं होता, घर पर भी कुछ व्यायाम करने चाहिए। किशोरावस्था में खेल कूद, जिम्नास्टिक, आसन, दौड़ना और तैरना अच्छे व्यायाम है। किशोरों को किसी न किसी सामूहिक खेल में भी अवश्य भाग लेना चाहिए। इससे न केवल शरीर फुर्तीला और सशक्त बनता है, अपितु सहयोग की भावना का भी विकास होता है। विद्यालयों में खिलाए जाने वाले विभिन्न खेलों जैसे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो आदि में उत्साहवर्धक भाग लेना चाहिए। विद्यालयों में योगाभ्यास, ड्रिल, पीटी आदि सामूहिक व्यायाम भी कराए जाते हैं। इनसे न केवल बालक स्वस्थ बनता है, अपितु अनुशासन से कार्य करने की भी सीख जाता है। बालक बालिकाओं के लिए दौड़ लगाना एक बहुत ही उपयोगी व्यायाम है। इससे शरीर के निचले और मध्य भाग की मांसपेशियां मजबूत बन सकती हैं। तैरना भी एक श्रेष्ठ व्यायाम है। इससे मनोरंजन के साथ साथ शरीर के लगभग सभी अंगों की कसरत हो जाती है। जहां नदी, नहर, तालाब आदि की सुविधा प्राप्त है, वहां बालक बालिकाओं को तैरना अवश्य सीखना चाहिए। किसी योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में ही तैरना सीखना सुरक्षित रहता है। योगासन प्रत्येक अवस्था के व्यक्तियों के लिए उपयोगी साधन है। इनसे न केवल शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम होता है, अपितु तन और मन पर भी नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन और मयूरासन आदि अनेक आसनों को सरलता से सीखा जा सकता है। व्यायाम सदा खुली हवा में करना चाहिए। व्यायाम करते समय रक्त के प्रवाह की गति तीव्र हो जाती है और हमारा श्वास तेजी से चलने लगता है। यही कारण है कि हमें अधिक ऑक्सीजन लेने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। व्यायाम की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। एक साथ अधिक व्यायाम कर लेने से लाभ की बजाय हानि अधिक होने की संभावना रहती है। थकावट प्रतीत होने पर व्यायाम छोड़ देना चाहिए। व्यायाम सदा नियम पूर्वक करना चाहिए। भोजन के एकदम पहले या एकदम बाद व्यायाम नहीं करना चाहिए। पेट भारी होने की अवस्था में भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। प्रातः काल का समय व्यायाम के लिए उत्तम होता है। एक प्रसिद्ध कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। व्यायाम के द्वारा हम अपने शरीर, मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं। व्यायाम से हमारा चित्त प्रफुल्लित रहता है तथा तन में स्फूर्ति बनी रहती है। इस प्रकार हम अपना जीवन तो सुखी बनाते ही है, साथ ही शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण में भी सहयोग देते हैं। हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर रोज व्यायाम करना चाहिए। इस तरह से बच्चों आपका यह पाठ समाप्त होता है।